जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका प्रोविडेंट स्टडी में। आज देखते हैं जो हिमाचल के गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है। पहला है जो अभी शिमला ने टॉप किया है, एक इंडेक्स जो रिलीज़ किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर द्वारा, ईज़ ऑफ लिविंग इंडेक्स को। और यह इंडेक्स दो कैटेगरी में रिलीज़ किया गया है। एक कैटेगरी उन सिटीज़ की जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है, और एक कैटेगरी उन सिटीज़ की जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है। जो शिमला ने अभी टॉप किया है वो किया है लेस देन 10 लाख पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में, और जो ये ग्रेटर देन 10 लाख वाली सिटी है उसमें बेंगलोर ने टॉप किया है। और जो हमारे मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के, वो है हरदीप सिंह पुरी जी। और जिसमें हिमाचल के कैपिटल ने टॉप किया है उसमें टोटल 114 सिटीज़ थी। और हमारे हिमाचल के जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो है सुरेश भारद्वाज जी। और इसमें इंटरेस्टिंग जो बात रही है शिमला के लिए वो यह है कि जब 2018 में यह इंडेक्स रिलीज़ किया गया था उस टाइम शिमला का रैंक था 92, और शिमला ने इस बार 92 प्लेस का सीधा जंप लगाकर फर्स्ट रैंक को होल्ड किया है। और इसका जो पूरा क्रेडिट दिया गया है वह दिया गया है कि जो शिमला को अभी कन्वर्ट किया जा रहा है स्मार्ट सिटी के लिए, उसकी वजह से यह हासिल हो पाया है। और जो हमारे स्मार्ट सिटी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो है आबिद हुसैन जी। और जो ये इंडेक्स रिलीज़ किया गया है इसके चार पैरामीटर पर उसे रिलीज़ किया गया है। और जो शिमला का स्कोर है वो है 60.90। और दूसरा जो इंडेक्स रिलीज़ किया गया है इसी मिनिस्ट्री के द्वारा वो है म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, और इसमें शिमला ने 24th रैंक को प्राप्त किया है, और जो कि पांच पैरामीटर में रिलीज़ किया गया है। और दूसरा है जो चंबा ने अभी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में 4th रैंक को होल्ड किया है। यह इंडेक्स नीति आयोग द्वारा रिलीज़ किया जाता है और इसमें टोटल 112 डिस्ट्रिक्ट है। और थर्ड है फ्रेंड्स जो ऊना के एक मैन है जो जय चौधरी जी, जो कि पनोबिले से बिलोंग करते हैं ऊना से, वो यूएसए की जो टॉप 10 की लिस्ट है बिलियनरी की उसमें इन्होंने अपना रैंक हासिल किया है। और ये सीईओ एंड फाउंडर है जेस्पलर साइबर सिक्योरिटी कंपनी है वहाँ की, और जिनका ओरिजिनल नेम है, जो बचपन का नेम है, वो है जगतार सिंह चौधरी। तो ये थी आज की टॉप हेडलाइंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।